हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हाउ कैन अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वी नो दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज रिप्रेजेंट ऑन द डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटीज। इकोनॉमिक्स कैन अटेंड are different combinations of the production options. So, two goods are utilize every resources. For example, if the two goods, wheat and the machines, that's called the production consumer goods and the capital goods are produced, then what is the combinations are created that times? The first option is that all the factors are utilized in the production of the goods or only, and in this case there will be no production of the machine. सारी की सारी resources को सिर्फ एक ही तरफ लगा दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि productions की जो संभावनाएं हैं वो alternative vehicles को select करती हैं, और इसके कारण हमको क्या हुआ है कि हम दो विकल्पों के उत्पादन की तरफ ध्यान देते हैं, और इस कारण इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व को, जब हम प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटीज़ की मान्यताओं को समझते हैं या उसके फीचर्स को समझना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम दो बातों को ध्यान में रखता है। एक कि हमको उत्पादन के लिए जो अल्टरनेटिव्स यूज हैं ये क्या करता है कि हमारे फर्स्ट चॉइस को डिक्रीज कर देता है, यानी घटा देता है, क्योंकि हम अपने इसी चॉइस को सेक्रीफाइस कर दूसरे उत्पादन या दूसरे आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। जब तक हम अपनी एक आवश्यकताओं को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एक चीज़ों का सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ों का उत्पादन हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि दोनों विकल्पों को एक साथ अगर देखा जाए, दोनों उत्पादन को एक साथ बढ़ाना मुश्किल है। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है? अपनी पहली आवश्यकताओं को सेक्रीफाइस कर दूसरी आवश्यकताओं को प्रमोट करना होता है। अगर हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमको अपने पहली आवश्यकताओं में सेक्रीफाइस करने होते हैं। इसलिए द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर यूटिलाइज इन द प्रोडक्शंस ऑफ वीट ओनली। हम एक काम करते हैं, सोचते हैं कि हम दो तरह के गुड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे एक हमारा वीट्स है और दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मशीनरी है। अब हमको प्रोडक्शंस करना है, किसका? वीट्स का भी प्रोडक्शंस करना है और मशीन का, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। लेकिन किसकी कितनी मात्राएं में, क्योंकि पहली आवश्यकता है। जब हम अपनी सारी इच्छाओं या हम कह सकते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को वीट्स के प्रोडक्शंस में लगा दे, तो उस समय क्या होगा कि हमको सिर्फ जो है पहले केस में सारी आवश्यकताएँ हम या सारे रिसोर्सेज हम जो है वो वीट्स के उत्पादन में लगा दें और मशीन का उत्पादन जीरो कर दें। दूसरा है, सेकेंड, इट्स कुड हैपन डैट All the factors are utilized the productions of the machine only. या दूसरा, हमारे पास जितने साधन हैं उससे हम सिर्फ मशीन के ही उत्पादन में लगा दें, then there will be no productions of the wheat. और उस समय हम कोई भी बीट्स का उत्पादन नहीं करें। पहले केस में हम सिर्फ बीट्स का उत्पादन करें, दूसरे केस में अगर हम मशीन का उत्पादन करें। And the third option would be that the few factors are utilized to the productions of the wheat and the other few are productions of machine. और कुछ है? या तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम कुछ अपने रिसोर्सेज को वीट्स के प्रोडक्शंस की तरफ लगाएं और कुछ रिसोर्सेज को मशीन के प्रोडक्शंस की तरफ लगाएं। तो अगर इस तरह के जब सिचुएशंस बनते हैं ते हैं तो इसको एक टेबल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास पांच ऑप्शंस है, ए बी सी डी और ई ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास वीट्स के प्रोडक्शंस के लिए कंज्यूमर गुड्स को हम ज़्यादा प्रमोट करें या मशीन कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा प्रमोट करें। इन दोनों को जो है, अगर हम बीट्स का प्रोडक्शंस करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में देखिए कि हम बीट्स के प्रोडक्शंस के लिए कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और टोटल का टोटल रिसोर्सेज कहाँ यूज कर रहे हैं? मशीन के प्रोडक्शंस में। केस ए, ऑप्शन ए के संबंध में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह से ऑप्शन सी की तरफ हम देखें तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हम इसको प्रोडक्शंस, किसके प्रोडक्शंस में यूज कर रहे हैं? हम इसको वीट्स के प्रोडक्शंस में यूज करें। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ई को अगर हम कंसीडर करें तो एक समय में हम सारी चीज़ों को सिर्फ मशीन के उत्पादन में लगा दिए और दूसरे समय हम सारी चीज़ों को वीट्स के प्रोडक्शंस में लगा दें। यानी हम अपनी सारी आवश्यकता या सारी
चीज़ों को एक ही जगह प्रोडक्शंस के लिए सेंट्रलाइज कर दिए। लेकिन अगर हम तीसरे ऑप्शंस की बात करें कि हमारे कुछ यूनिट्स जो हैं वो बीड्स के प्रोडक्शंस के लिए यूज किए जाएं और कुछ यूनिट्स जो है वो मशीन के प्रोडक्शंस के लिए, जैसे ऑप्शन बी में आप देखिए जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती चली जा रही है, 100,000 टन हम जो है बीड्स प्रोडक्शंस कर लें और 25 टन जो है 1,000 यूनिट जो है हम किसका मशीन का प्रोडक्शंस कर लें, एक यानी सेलेक्शंस करना, इसके 5 यूनिट्स के बराबर हमको सेलेक्ट करना है। फिर अगर हम देखें कि अगर हम 2 यूनिट इसको करते हैं तो हमको यहाँ क्या करना होता है कि 35 यूनिट्स जो है हमको, यानी जैसे जैसे हमारा ये बीड्स के प्रोडक्शंस में यूनिट्स इन्वॉल्व होता चला जाता है, मशीन के उत्पादन में हमको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। तो एक ही समय में या तो हम सारी की सारी एक ही जगह इस यूटिलाइज कर लें प्रोडक्शंस में, या उसको अल्टरनेटिव सेलेक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास 3 अल्टरनेटिव सेलेक्शंस हैं, हम किस तरह से अपने प्रोडक्शंस प्रोबेबिलिटी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोडक्शंस प्रोबेबिलिटीज जो हैं, जो वस्तु के उत्पादन के लिए जो संभावनाएँ हैं, वह एक वस्तु के सेक्रीफाइस से दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु के का सेक्रीफाइस अगर हम नहीं करते तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है। इसके पीछे रीजंस क्या है, स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। आइए इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू समझते हैं।